देश में लगातार बढ़ रही बच्चियों के साथ घटनाएं और साथ ही में रेप जैसे संगीन मामलों के बाद अब इस पर कड़े कानून की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी हुई हैं और राजघाट के ठीक सामने समता स्थल की हम तस्वीरें आपको दिखा दे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, पिछले तीन दिनों से, आज आपको बता दें चौथा दिन है, पिछले तीन दिनों से स्वाति मालीवाल जो हैं वो इसी अनशन स्थल पर डटी हुई हैं। फिलहाल अगर आप देखें सुबह का वक्त है, अभी जो है स्वाति वो आराम कर रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि रविवार को उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि उन्हें जो है अब यहाँ से जबरन हटाया जा सकता है, जिसके बाद हलचल मच गई थी अनशन स्थल पर। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस अनशन स्थल पर डटे हुए हैं और रेप जैसे बच्चियों के साथ जो रेप होता है उसे लेकर कड़े कानून की मांग और साथ ही में रेपिस्ट को फांसी की सजा की मांग को लेकर के स्वाति मालीवाल क्योंकि अनशन पर बैठी हैं तो उन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो आपको बता दें कि यहाँ से तमाम लोग जो हैं, सुबह का वक्त है इसलिए अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, कोई कोई मॉर्निंग वॉक पर चला गया है, कोई कहीं चला गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो ट्वीट स्वाति मालीवाल ने किया था उसके मुताबिक उन्हें ये डर था कि उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई एक्शन यहाँ पे पुलिस की तरफ से ना तो रात को दिखा ना ही आज सुबह यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि जो डॉक्टर हैं वो लगातार स्वाति मालीवाल का चेकअप कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा कि उनकी हालत अब चिंताजनक बन रही है तब तक पुलिस किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेगी।